तो अभी शुरू किए है। पहले हमने प्याज बुना है, टमाटर वगैरह डाले, मिर्च भी डाले, मिर्चें थोड़ी सी अच्छी सी अच्छे ज़रूरत। तो आज चावल जो है नमकीन बना रहे हैं, आज भी चावल जो है अभी शुरू कर दिया है, ये रखी ये काट कर आलू भी रखी है, तो बाकी भी प्याज वगैरह बन दिया है, सभी मिर्चें भी डाल रहे हैं। तो आज चावल बनाएंगे, आज मौसम भी ठीक है, तो ये आपको दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे चावल बनाएंगे, कल और भी रेसिपी बनाएंगे, तो हमारी यही कोशिश होती है, तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई करना ताकि आपको पसंद आए, रस्सी वगैरह भी कुछ का काम ही करें घर वालों की मदद से। वैसे कि रेसिपी पैसे तो मैंने कभी भी कुछ नहीं दिए, लेकिन मैं कि अब कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, बाकी भी घर के काम करता हूँ, ये भी रस्सी वगैरह अभी बाकी बाद में बताएंगे, अभी ठीक नहीं हुआ। तो इधर आतम जो है ये भी इधर आराम कर रहा है, सो रहा है, बहुत मज़े से सो रहा है अभी, क्योंकि इसका काम नहीं है। अभी ये टीवी पे सुन रहा है, रसोई देख रहा है, ये रसोई भी देख रहा है, साथ साथ मैं आराम भी कर रहा है, काम नहीं करता है। सुबह से बिल्कुल निकम्मा हो गया, बिल्कुल ही फारग हो चुका है, काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करते तुम, सुबह से क्यों इधर रेडी हुए हैं, इधर देख रहे हैं आप, ये देखें और काम नहीं है, आप बिल्कुल काम नहीं हमारे साथ करते हैं। तो आज जो है ये घर का काम नहीं कर रहा बिल्कुल, आता उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वैसे वैसे भी रेस्टोरेंट देखता है, जब रेस्टोरेंट ही हो या क्रिकेट मैच लगा हुआ तो फिर तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो आज भी इसी तरह का ये रेस्टोरेंट देखेगा सुबह से। तो आज मौसम भी गर्मी का है, हम कुकिंग का काम साथ कर रहे हैं, तो आज जो है चावल की रेसिपी बना रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि ये काम कुकिंग का भी करेंगे। तो आतफ को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आतफ जो है आज बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है, बिल्कुल काम नहीं करता, यही रेसलिंग देख रहा है। तो बाकी ये घर का काम भी हमने किया है, कुछ ये सेटिंग वगैरह की है, अभी कुछ थोड़ी बहुत ही रह गई, कारण यहाँ सुबह से बिजली वाला आया था, वो बिजली के बोर्ड एक दो जल गए थे, वो ठीक करवाए हैं। तो अभी जो है कोई सेंटर का काम रहता है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वो भी करना है, तो वो थोड़ी देर तक आएगा। कुछ और कोई जो मकान में कोई ऐसी चीज़ें लगाने वाली, ये जिस तरह का ये है, ये फूल वगैरह रखा हुआ है इधर, अभी ये भी लगाना है, अभी नहीं लगाया, इधर रखा हुआ है अपने पास ही। तो ये भी घर वाले बहुत शौक से बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, डेकोरेशन पीस उनको बनाने की बहुत शौक है, तो मुझे भी शौक है ऐसी चीज़ों की, उन्होंने ये काफ़ी डेकोरेशन पीस बनाए हैं इस तरह के, तो शौक से बनाते हैं। अभी ये लगाना बाकी है, तो इधर चारपाई भरी रखा हुआ है, अभी ये भी लगाएंगे, बाकी भी काम जो है वो आस्ता आस्ता करते हैं। तो बाकी कुकिंग का काम भी कर रहे हैं साथ साथ। हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, तो आज भी मेरे साथ बैठा हुआ है, ये चावल जो तैयार हो चुके हैं, ये रेसिपी आज बनाई है मैंने, तो उम्मीद है कि अच्छी बनेगी, ये अच्छे बने। अभी जो है ये बच्चे भी चाहते हैं कभी, ये खाने लगे, आप भी हैं हमारे साथ खाएँ, ये हमारी फर्स्ट रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आज के बाद अच्छी अच्छी रेसिपी और भी बनाएंगे, आज चावल बनाए, पापड़ वगैरह बनाए थे, तो और भी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह घर वालों की मदद से, क्योंकि पहले तो मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन अब जब से ब्लॉग शुरू किया है तो ये रेसिपी बनानी शुरू की है, और इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ, क्योंकि इंसान जो भी काम करे कर सकता है, अगर नीयत से सच्चे दिल से करे तो वो कर सकता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ, और इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर आपको दिखाऊँगा। अब ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, आप भी आए हमारे साथ खाएँ, हमें अच्छा लगेगा,
तो हमारे साथ दोनों ने मेरे बच्चे हैं भूभक्कर और आतिफ बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारे साथ खा रहे हैं। आप भी आए खाएँ हमारे साथ खाएँ, हमें अच्छा लगेगा। अब हम शुरू करने लगे, देखते हैं कि कैसे पके। हमारे खाना बहुत टेस्टी पके और मैं बहुत अच्छी रेसिपी हो रही बनाई, क्योंकि मुझे यार पता चला कि मैं बना सकता हूँ। इन शाला बाकी जो चीज़ें खाने के बाद अब हम निकले हैं बाहर ज़रा वॉक करने के लिए। तो मौसम इस वक्त बेहतर है, गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि सुबह तो गर्मी थी, आज धूप बहुत ज़्यादा है। दो दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश जब होती है तो मौसम ठीक हो जाता है, जब बारिश नहीं होती ना तो फिर मौसम गर्म हो जाता है। तो आज इसी तरह है कि कुछ सुबह का मौसम ठीक था तो इस टाइम थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन यह है कि शाम को फिर ना मौसम ठीक हो जाता है, तो इसलिए अभी जो है मौसम थोड़ा सा गर्म ही है। तो हम बाहर निकलेंगे ज़रा बाज़ार की तरफ चलें कुछ चीज़ें लेने के लिए, ताकि कुछ चीज़ें से वगैरह ले आए। तो हम निकलेंगे अभी, तो इस वक्त तो काफ़ी बेहतर है, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब जब जाते तो कोई चीज़ें सब बातें बात महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें सब महंगी हो चुकी हैं। बस अल्लाह पाक आसानी करे। तो इस वक्त ज़रा मैं बाहर निकला हूँ घूमने के लिए, इस वक्त बहुत प्यारा मौसम है, दोस्त जो है इंजॉय कर रहे हैं हम इस टाइम को। हाँ निकले हैं रोड की तरफ, तो कुछ चीज़ें वगैरह मैंने निकले हैं, तो आप ये बहुत रहा हूँ मैं भी। से पीपल गार्डन की तरफ आ रहा हूँ, ये अच्छी जगह है, तो इधर कुछ चीज़ें लेनी थी पीपल गार्डन से, इसलिए बाजार में की तरफ जा रहा हूँ। तो अब पीपल गार्डन के करीब आ रहा हूँ, तो इस वक्त तो इस जगह जो है गली है इसमें सया है, बहुत अच्छा मौसम है, कोई गर्मी नहीं है इधर। तो है शाम को टाइम को तकरीबन गर्मी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादातर मौसम प्यारा हो जाता है, इसीलिए इस वक्त इधर बहुत प्यारा मौसम है, गर्मी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, तो शाम तक इंशाल्लाह बेहतर मौसम हो जाएगी। अभी ये तो मैं अभी इस वक्त जो ये रावलपिंडी का शहर मछलिया रोड, तो इस तरफ जो हम इधर आए थे हम फिर रहा हूँ इधर रोड के करीब ही। तो अभी जो है कुछ चीज़ें और लेनी है बाज़ार में, तरफ जा रहा बाज़ार में ही हूँ, तो कुछ और चीज़ें भी लेनी है। पहले थोड़ा सा मछलिया रोड की तरफ निकला हूँ, तो इधर ज़रा दुखती है, तो आज मौसम तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आगे से दिन को गर्मी होती है, रात को मौसम ठीक हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा इधर निकला हूँ बाज़ार की तरफ घूमने फिरने के लिए। जो आज आतिफ हमारे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो ज़रा ये जगह मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं इधर यहाँ की बुलंदी करने के लिए आया हूँ। तो आज उम्मीद है कि आपको ये बहुत प्यारी लगी होगी, अगर लगी है तो इस टाइम मैं रोड की तरफ निकला हूँ बाहर जरा घूमने का काम था इधर रोड पर, तो जा रहा हूँ, तो ये व्यूज है, ये इधर मैं आम इधर खड़ा हूँ, तो आप इस टाइम तो मौसम बहुत प्यारा है, आवाज़ जल्दी जा रही है, तो बस
कहीं रोड पर भी रहते हैं, निकला हूँ थोड़ा किसी दिन अलग दिया गाड़ी का मुझे तो अगर रोड में ही मौसम प्यारा हो चुका है। तो आजकल जो है मंगल का दौर है, वैसे भी आजकल जिस चीज़ का गाँव जीते तो वो आसमानों के बैठे आज करती है, बहुत जगह में गई चुकी है, वो है इंसान क्या कर सकता है। तो दस लिए थे कितने कितने छोटे छोटे पसंद आ गए पहले सारे गए। सिर्फ एक बच्चे आ चुका हूँ, आतफ भी मेरे साथ खड़ा है। तो मैं किला बाज़ार गया था कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकर वापस आ रहा हूँ, आ गया हूँ। तो अभी आतफ जो है मेरे साथ है, दोनों हैं। तो घर पहुँचा है, मौसम काफ़ी बेहतर है। तो ये जो हमारे साथ वो बकर भी खड़ा है, ये भी आया हुआ है। तो बाकी है कि आतफ जो है हमारे साथ है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिन को, तो इस वक्त ठीक है। तो बाकी ये है कि बाज़ार में गया हूँ, चीज़ें देखी हैं, तो आज कल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब्ज़ी जो है कल वो पहले से भी काफ़ी महंगी हो चुकी है, बाकी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक उनके गर्म करें। तो कारोबार जो है वो तो आज कल बहुत कम हो गए हैं, कारोबार तो खत्म बहुत ही न होने के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से कारोबार कम हो गए। तो इसलिए अल्लाह ताला रहम करें। बाकी है कि आम का ऊपर शिफ्ट हुआ, आम शिफ्ट हो चुके हैं, ये इधर पंखे वगैरह भी लगा दिए अभी। तो घर का बाकी भी काम कर दिया, कोई ये रंग वगैरह रहता है चूना लगाएंगे, उसके बाद रंग लगाना है, ये लगाएंगे बाद में। तो अभी जो है ज़रूरियात के मुताबिक जो थोड़ा बहुत काम करना था वो तो कर लिया। अभी ये है कि रेस्ट के कुछ काबिल हो चुका है, तो हमारी यही कोशिश होगी कुछ दिन गुजारा करें, उसके बाद इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो आस्ते आस्ते बाकी भी सेटिंग हो जाएगी, अभी रंग वगैरह नहीं किया, ये बाद में करेंगे। तो मौसम ये भी ठीक हो चुका है, शाम को तो बात मौसम बेहतर हो जाता है, रात को तो मौसम ठंडा हो जाता है, दिन को गर्मी होती है। तो बाकी है जो आज का दिन है ये भी मसरूफियात में गुजरा है, नीचे बिजली का कुपला ठीक करने थे वो किए, लेकिन यहाँ उसके बगैर जो यहाँ मोटर लगाते हैं वो कुपला फिर भी जल गया आज। तो फिर अभी मैं उसके पास ही गया था, इसलिए बाज़ार से वो वापस हो रहा हूँ आ रहा हूँ। तो उससे कहा गया है कि ये कैसे जल गया है, ये तो मैं उधर करीब क्या करना होता है तो सारी गाड़ी में जल जाती। तो उसने कहा ठीक है मैं फिर सुबह ही आऊँगा ठीक करने के लिए। तो मैंने कहा यार तो अच्छी करने, क्योंकि ये मसला है कि अगर गाड़ी जल गई तो वो मसला बन जाएगा। तो वो हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन यह है कि हो सकता है इंसान है थोड़ा बहुत काम हो जाता, बाकी ये है कि बाकी काम हो चुके हैं। तो इधर आतक भी मौज मस्ती में मसरूफ़ है अपने कुटुंब के साथ। तो आज दिन का मैं कुटुंब किया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का जो है चैनल हमारा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर ब्लॉग, ये ताकि हम अच्छे और ब्लॉग में बना सकूं। आप बहन भाइयों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि किस चीज़ की तरह की चीज़ें हम बनाएंगे और बनाएं, आपकी मुताबिक जो आप राय देंगे उस मुताबिक हम काम करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं उनको जो चीज़ अच्छी लगे वो बनाए। बाकी है जो अल्लाह ताला हर इंसान का रंग करत, हमारे जो घर में बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो उस कारण में नहीं है अल्लाह ताला उनको भी शफा दे, जहाँ भी लोगों को बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सिया करें जल्दी।
तो जो है कि उनके तला में अल्लाह ताला हमदर बिरन फरमाए, तो जो बेरोजगार रोजगार में अल्लाह ताला रोजगार दे, बेरोजगार में अल्लाह ताला उनको अच्छे नेक औलाद दे, ये हम दुआ करते हैं। उम्मीद है कि आज को वो लोग जो है आपको अच्छा लगेगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। आप जैसा कि करेंगे तो हम आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छी चीज़ें मैं कुछ दिन के दीजिए, मेरी सेहत भी काफ़ी थी, बीमार थी पिछले दिनों में, सेहत ख़राब थी, तो अब अल्लाह काम की वजह से ज़्यादा बड़ा काम था, तो उसकी वजह से सेहत काफ़ी ख़राब थी, तो अब इंशाल्लाह मेरी सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो बाकी काम घर का काम भी हम कर चुके हैं, तो शिफ्ट वगैरह शिफ्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा बहुत काम रहते हैं वो कर रहे, तो आप जो है जो मेरे भाई भाई हैं ज़रूर जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो यही है। बात कर रहे हैं आतफ की, तो आतफ हमारे साथ है, यही है कि ये कोशिश करता है ये भी कि मैं अपने ब्लॉग बनाऊं, और कोशिश इसकी कि वो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो है बात तो सुन नहीं सकता, करना हो सकता है। तो आपका जो आज जो चैनल है हमारे पास मतलब की आज थोड़ी थी जो सही, तो हम अच्छा बना सकें, अगर कोई कमी हो तो आप हमें बताना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि आपको अच्छी लगे। तो आज का जहाँ यह है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।